मेरी है, वो मेरी ना है, वो मेरी है, वो मेरी ना है, वो मेरी ही है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू ना कर या हाँ कर, तू है मेरी। आई लव यू, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमको यहां से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। योजना बनाई कि मुझे इसे पाना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब एक वर्ष के दौरान इसने करीब 150 बार उसकी रेकी की। हालांकि कभी ये एक सनक थी इसके दिमाग में, इसको देखना। हेलो अंकल, मेरी बात दीप्ति से हो रही थी। अंकल मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। अरे क्या हुआ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? नहीं अंकल, मुझे लगता है आपको फौरन पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो युवती है वो नेचुरली किसी उस ऑटो में ना बैठ करके, ये इसका ऑटो थोड़ा पीछे रह गया, वो नेचुरली उस ऑटो में बैठ गई जिसमें दो लड़कियां पहले से बैठी हुई थी। इसने क्या किया कि उस ऑटो से लेकिन ये आएगी कैसे, उतारें कैसे, तो इसने क्या किया, एक खड़ंजा होता है, धीरे से वो जो खड़ंजा था या जो वो कीलों का बॉक्स था, इसने उस ऑटो में लगा दिया। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जुनून कहलाता है, और यही जुनून जब किसी आशिक के सर चढ़कर बोलता है तो बनता है एक ऐसा फसाना जो सबको हिलाकर रख देता है। एक खूबसूरत लड़की और एक जुनूनी आशिक। उस लड़की का कसूर बस इतना था कि वो बेहद खूबसूरत थी, और उसकी यही खूबसूरती उस संगी आशिक के सर चढ़कर इस कदर बोली कि पूरे 36 घंटे तक गाजियाबाद में कोहरा मचा रहा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं इश्क A violent love story. लड़की को इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया और वहां से लेके इन्होंने चलना शुरू कर दिया। उसके एक ने पिस्टल लगा दी कि अगर तू चिल्लाई जरा सी भी तो गोली मार देंगे। नेचुरली लड़की बहुत भयभीत थी, और इन्होंने उस जो इसका मफलर था जो युवती का, वो इसके मुंह में डाला और इसको ले गए। लेकिन उधर किडनैपर्स दीप्ति को लेकर जिस कार में भागना चाहते थे, उस कार का टायर भी पंक्चर हो गया था। ऐसे में किडनैपर्स दीप्ति को पैदल लेकर उस तरफ चल पड़े जहां उनकी एक और गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही वो ब्लेजियर निकल गए, ये लड़की को दोबारा लेके आता है, उसमें बिठाता है, और ये मोरटी से जो मोरटा जाने वाला सड़क है जो की काफी अंडुलेटिंग ग्राउंड है जहाँ पे पुलिस भी कम ही जाती है, इसने वो वाला रास्ता पकड़ा। वो वाला रास्ता पकड़ने के बाद ये पहुंचा, और इसके पहुंचने के बाद जो
रजापुर और स्थल की तरफ जो सड़क जाती है, जो पाइपलाइन रोड से आगे जाके फरुखनगर में मिलती है, वहां पर इसकी सीएनजी खत्म हो गई। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण दीप्ति कुछ देख नहीं पा रही थी। उसके सामने बस एक ही रास्ता था कि जैसे जैसे उसके किडनैपर्स उसे कहते जा रहे थे वो चुपचाप करती जाए। आखिरकार थोड़ी देर बाद किडनैपर्स दीप्ति को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन किडनैपर्स में से एक बार बार दीप्ति को सब कुछ ठीक हो जाने की तसल्ली दे रहा था। देखो, मेरे दोस्तों की नीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इस आदमी ने अपने को हीरो बनाने के लिए पेश किया बड़े साइकिक अंदाज में कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनका मोटिव अलग है, मेरा अलग है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने दूंगा। दीप्ति का अपहरण हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी तक किडनैपर्स ने दीप्ति के घर फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं किया। पुलिस भी दीप्ति की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को दीप्ति किडनैपिंग केस में एक भी सुराग नहीं मिला। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जाओ, मैं तुम्हें आजाद किया, लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम एक दोस्त की तरह जा रही हो या दुश्मन की तरह? दरअसल 12 फरवरी की सुबह एक किडनैपर दीप्ति को पहले तो सोनीपत के सांदल कला रेलवे स्टेशन ले गया और फिर वहां से पानीपत रेलवे स्टेशन ले गया। रेलवे स्टेशन के बाहर उसने दीप्ति को आजाद कर दिया। दीप्ति रेलवे स्टेशन के अंदर गई और दिल्ली की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गई। सफर के दौरान उसने एक मुसाफिर से फोन मांगा और अपने घर वालों को अपनी रिहाई के बारे में बताया। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई, मैं बोल रही हूँ दीप्ति। दीप्ति, तुम कहाँ हो? हाँ भाई, मैं अभी पानीपत पे हूँ, 1.5 घंटे लगेंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊंगी। ठीक है, मैं पापा को बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड हाउस में, वहाँ से इसने कहा जो ये रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम है सांदला कला, जो कि इसी के गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए ये वहां से फिर पैदल ले गया। जिस मॉर्निंग में इसने युवति ने फोन किया, मैं बात कर रहा हूँ 12 की मॉर्निंग में, वहां ये गया और जाने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चलने से पहले इसने युवती से पूछा कि एक बात बताओ स्नेहा, इसने स्नेहा नाम बताया था, तो एक बात बताओ कि तुम अपना दोस्त बना के जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो? युवती की रिहाई की खबर सुनकर पुलिस भी हैरान थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये माजरा क्या है, क्योंकि बिना किसी फिरौती के किसी को भी छोड़ देना किसी भी किडनैपर की फितरत में नहीं होता। तो फिर आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या थी? इसके लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। दीप्ति सही सलामत घर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस अभी भी ये गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी कि आखिर दीप्ति की किडनैपिंग के पीछे की हकीकत क्या है, किडनैपर्स का मोटिव क्या है। ये वो सवाल थे जो पुलिस के लिए अभी भी अनसुलझे थे। और जब पुलिस ने इस किडनैपिंग के बिखरे हुए सिरों को जोड़ने की कोशिश की तो सामने आई पूरी कहानी, जो शीशे की तरह साफ थी। यही है वो सनकी सिरफिरा आशिक देवेंद्र, जिसने अपनी एकतरफा मोहब्बत के चलते किडनैपिंग की इस पूरी वारदात की साजिश रची थी। एक सनक थी इसके दिमाग में, इसको देखना, इसको युवती क्या पहन रही है, कैसे वस्त्र पहन रही है, कैसे स्वेटर्स पहन रही है, इसकी पूरी पूरी जानकारी थी। इसको यहाँ तक जानकारी थी कि ये अपने फ्रेंड से, जो मिस्टर ए है, उससे ये कहाँ कहाँ मिलती है नेचुरल प्रक्रिया में, क्योंकि वो मिस्टर ए भी उनका कलीग है विक्टिम का, तो ये कहाँ कहाँ मिलती है इसकी भी ये जानकारी थी, उसका घर कहाँ है, ये इसने पूरी जानकारी जुटाई। हालांकि इस दौरान इसने कभी इंटरेक्शन करने की कोशिश नहीं की। दरअसल ये कहानी साल 2015 में शुरू हुई थी, जब देवेंद्र ने पहली बार दीप्ति को देखा था। बस उसी दिन से देवेंद्र दीप्ति को पागलों की तरह चाहने लगा था।
और वो दीप्ति को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। जनवरी 2015 में ये राजीव चौक पर इस लड़की को इसने सहसा देखा और ये अभियोग जो अभियुक्त है, जिसे जैसा कि आपने देखा होगा एक डर फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें एक तरफा इन्फेचुएशन उसको हो जाता है, ये इसकी एक अलग साइकी थी और ये एक उस लड़की से कहेंगे एक साइकोलॉजिकली कहें एक ट्रॉमेटिक इसका एक अलग एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये लड़की जो है ठीक है, प्रेटी लुकिंग है और इस लड़की के बिना ही इसका कोई जीवन नहीं है। दरअसल देवेंद्र दीप्ति की नजर में हीरो बनना चाहता था और उसको ये आइडिया मिला फिल्म डर देखकर। इसके अलावा ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है, वो इसको अपने आसपास पाता था उस करेक्टर को अपने आसपास कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा, इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था और बस उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना ये प्लान अपने दिल के इतने करीब रखा था कि उसने इस बात की भनक किडनैपिंग ड्रामा में शामिल अपने साथियों को भी नहीं होने दी। इसने अपने सहयोगियों को जो कि दो गांव के हैं उसको भी बुलाया और ये कहा कि मेरे पास एक टारगेट है, एक युवती है जो कहीं बाहर से आई है, बाहर की रहने वाली है और वो हवाला का पैसा करती है और चूंकि वो हवाला का पैसा करती है वो पुलिस में भी नहीं जाएगी और अगर हम उसको उठा लेंगे तो एक तो वो पुलिस में नहीं जाएगी क्योंकि वो खुद हवाला का काम करती है और करीब हर आदमी को 3-4 करोड़ का टोटल वो अमाउंट है और हर आदमी के हिस्से में 1-1.5 करोड़ पड़ेगा। दरअसल देवेंद्र दीप्ति को लेकर नेपाल भाग जाना चाहता था और वहां उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इससे पहले देवेंद्र अपने प्लान में कामयाब हो पाता कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए और वो पहुंच गया जेल की सलाखों के पीछे। इसकी जो साइकोडायनेमिक्स है, जो इसकी मनोगतिकी है बड़ी विचित्र है। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके का वन साइडेड जो एक इन्फेचुएशन होता है, हम इसको प्रेम या ऐसा कोई शब्द नहीं देना चाहेंगे, सामान्यतः से इन्फेचुएशन कह सकते हैं। ये एक तरफा जो इसका इन्फेचुएशन था वो बड़ा क्रेजी लेवल पे था। तो ये थी एक सरफेरे सन की आशिक की एक तरफा प्यार की दिल दहला देने वाली दास्तां। आपको बता दें कि पुलिस ने देवेंद्र के चारों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने इस साजिश में देवेंद्र का साथ दिया था। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।